हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से अंग्रेजी गुरु जी में मैं, मैं निरज सिंह राजपूत आज एक जो टॉपिक है दैट इज वर्ब दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इन इंग्लिश ग्रामर एंड इफ आई टॉक अबाउट योर इंडिया प्रिपरेशन इफ आई टॉक अबाउट योर एयरफोर्स प्रिपरेशन ये uh, वर्ब जो होता है जनरली वर्ब का एक रीड हड्डी है आई मीन सेंटेंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो दैट्स बैक बैकबोन तो इसके बिना सेंटेंस जनरली पूरा नहीं होता तो यह ध्यान रखिएगा तो जनरली प्लेज वाइटल रोल अगर आपका वर्ब बेहतर है अगर आप तरीके से जानते हैं तो आपको आपके जो चांसेस हैं एरर ऑफ चांसेस जो स्पॉटिंग एरर में जो है आप जल्दी से प्रॉब्लम पकड़ पाएंगे एरर्स को स्पॉट कर पाएंगे तो इट इज मच मच बेनिफिशियल गाइस तो चलिए सबसे पहले हम वब जानने की कोशिश करते हैं वर्ब होता क्या है वर्ब एक एक्शन एक वर्ड है कहीं भी आप एक्शन देखोगे तो आप क्या कह सकते हो दैट इज वर्ब ठीक है तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग तो जहां पे भी कुछ काम हो ठीक है कोई एक्शन दिखे आपको तो उसको आप क्या कहोगे दैट विल बी कंसिडर एज वॉप कोई भी एक्शन स्लीप ईट रन वट एवर लाइक एनी एक्शन विल बी कंसिडर एज वॉप प्यारे बच्चों दो टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं तो मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा देखो लेकिन ये आपको जल्दी समझने में हेल्प करेगा तो जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग कोई भी यूजुअल एक्शन भी हो सकता है वॉक्स टहलता है ही इज गोइंग ठीक है तो ये कंडीशन ऑफ एक्शन है कंडीशन ऑफ एक्शन कैसे है माइक इज गोइंग टू स्कूल तो देट इज कंडीशन कहाँ जा रहा है स्कूल जा रहा है तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें आपने सब्जेक्ट से पता लगा लेना अब एक नोट है यहाँ पे वर्ब्स आर रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक सब्जेक्ट पर्सन ठीक है वर्ब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा नंबर टेंस मूड वॉइस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है तो वर्ब के लिए यह चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही सारा वर्ब का चेंज होता है तो सिर्फ वर्ब कैसे चेंज होगा आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है अगर सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया एक स्पॉट कर लिया सब्जेक्ट की पहचान तरीके से होगी मेरे दोस्तों तो आप प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करोगे आप आसानी से प्रॉब्लम uh, को सॉल्व कर पाओगे दिस इज आई बिलीव एंड यू विल डेफिनेटली it। अगर आपने इस तरीके से काम किया तो अच्छा दो बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं वो जनरली सिक्स बेसिक फॉर्म्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ देखो बेस फॉर्म क्या होगा जैसे कि चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड तो ये बेसिक फॉर्म है ना तो निगेटिव है ना इंटरगेटिव है जनरल टाइप ऑफ आपको ये दिख जाएगा सेंटेंस और उसमें एक वर्ब दिखेगा अब देखो इन्फिनेटिव में क्या होता है ये नॉर्मल वर्ब है राइट right? बट इसमें क्या देखोगे आगे इनफिनिटिव में वर्ब से पहले टू आता है टेल देम नॉट टू प्ले बोल दो उनको नहीं खेलने के लिए तो ये इन हो गया नेक्स्ट जो फॉर्म uh, है वर्ब का वो है टेंस uh, मतलब बीते हुए के बारे में जब हम बात करेंगे जैसे कि दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे मतलब कल उसने क्या खेला फुटबॉल पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं आई हैव ईटन अ बर्गर ठीक है तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का वीवन V2, V3, ठीक तो 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 है? तो जैसे कि प्ले एक वर्ब है उसके साथ आई लग गया राइट तो यह ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों इससे आपके जो प्रॉब्लम्स है आगे प्रॉब्लम अब नहीं आएगी अगर आपने इस तरीके से इस पे कमांड कर लिया जेरेंड में क्या होता है यह जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है कि जनरली प्लेज लाइक सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस और इससे यह पता लगता है कि एज एज अ अ जनरली प्ले करेगा आपको जैसे स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज तो स्विमिंग के साथ आई एनजी लगता है तो जेरेंड उसी को कहेंगे जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस तरीके के वर्ड आएंगे बट अगर बीच में आए तो उसको आप पास प्रेजेंट पार्टिसिपल कहोगे दैट इज एज सिंपल एज दैट तो क्लियर रखिए आगे बढ़ते हैं आपको थोड़ा समझा दूं इट इज वेरी इजी आई के साथ वाज लगता है पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में एम लगेगा ठीक है फ्यूचर टेंस में विल भी लगेगा यू के साथ पास टेंस में वर प्रेजेंट टेंस में आर फ्यूचर टेंस में विल भी ठीक है तो इस पूरे फ्यूचर में विल भी लगेगा प्रेजेंट टेंस में ईजा मार्च आने चेंज होता है आपको पता है आई यू ही सी ए टी यू दे के साथ क्या यूज करना है सिमिलरली जब प्लूरल होगा या यू uh, होगा तो उसके साथ वर यूज करना है और बाकी जितने भी सिमिलर है उसके साथ वॉज यूज़ करना है पास्ट टेंस में ठीक है बढ़ते हैं आगेवाइज okay, हाँ सबसे पहले अब हम बात करेंगे एक्शन वर्ब की एक्शन वर्ब क्या होता है जिसमें कोई भी एक्शन एक्सप्रेस हो रहा हो जैसे कि एक्शन वर्ब एक्सप्रेस एन एक्टिविटी दैट दैट अ पर्सन और थिंग कैन डू कोई भी थिंग uh, की बात करूं कोई भी पर्सन की बात करूं तो वो जो एक्स एक्टिविटी जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको आप एक्शन वर्ब कहोगे जैसे कि ली ईट्स केक वह यहाँ पे एक्शन कर रहा है कि वह क्या कर रहा है खा रहा है केक खा रहा है

ये ये एक्सप्रेस करता है टेंस वॉइस मूड ये सब एक्सप्रेस करेगा सारा ये एग्जाम्पल से आप थोड़ा ज्यादा समझ पाओगे तो ये टेंस को भी एक्सप्रेस करने में काफ़ी हेल्प करता है जैसे कि इफ वी वर टू अराइव इन द नेक्स्ट टेन मिनट्स वी वुड बी ऑन स्केड्यूल इसका क्या मतलब है ऑग्जरी वर्ब यहाँ पे वर है तो यहाँ पे वुड uh, भी एक यहाँ पे ऑगजलरी वर्ब है तो इससे क्या पता लग रहा है ये एक्सप्रेस कर रहा है मूड ठीक है इन दिस केस सब सबजंक्टिव मूड बोलते हैं इस तरीके से मूड कैसे हो रहा है इफ वी वर वी वर टू अराइव इन द नेक्स्ट टेन मिनट्स वी वुड बी ऑन ए स्केड्यूल मतलब ये मूड है कि अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम स्केड्यूल पे होंगे अब मोडल वर्ब की बात करेंगे मोडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है लेकिन कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू शैल शुड विल वुड मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ गाइज़ Modals पे आप जाओगे तो एक बार देख लेना मोडाल सर्च करके अंग्रेजी गुरु जी पे ही वह बहुत हेल्प करेगा उसमें बिल्कुल मैंने modals क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है गाइस अब modals को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कैसे यूज़ करना है यहाँ राम माइट ईट दैट पाई अच्छा एक एग्ज़ाम्पल हम पीछे लेते हैं ली कैन ईट अ लॉट ऑफ पाई तो कैन क्या है एक वर्ब है कैन से क्या एक्सप्रेस होता है यह कैन जो एक्सप्रेस कर रहा है आइडिया ऑफ एबिलिटी वह उसकी एबिलिटी बता बता रहा है कि वह क्या कर सकता है वह केक खा सकता है ठीक है जैसे कि आइडिया ऑफ एबिलिटी उसकी एबिलिटी है कि वह केक खा सकता है तो सेंटेंस में प्रॉब्लम है थोड़ा सेंटेंस मैंने ऊपर नीचे लिख दिया ये यहां पे होना चाहिए तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा प्लीज ओके द तो राम माइट ईट दैट पाई बिफोर ही गेट्स टू गेट्स होम तो ये माइट से क्या तत्पर है द मोडल वो माइट हेल्प्स टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिटी ये आइडिया ऑफ पॉसिबिलिटी बताता है ठीक है राम माइट ईट दैट पाई बिफोर ही गेट्स होम राइट तो उसकी एबिलिटी है कि वह घर पहुँचने से पहले वह पाई खा सकता है तो यह उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि माइट से पॉसिबिलिटी आई माइट डू दिस ये पॉसिबिलिटी है कि मैं कर लूंगा मतलब बिल्कुल नहीं है कि कर ही लूंगा बट आई माइट पॉसिबिलिटी है गाइस तो क्लियर रखिएगा ली मे ईट एज मेनी पाइज एज ही लाइक्स अब यहाँ पे मी से क्या होता है मी से हम परमिशन की बात कर uh, uh, मे से हम परमिशन की बात कर लेते हैं आइडिया ऑफ परमिशन तो ली मे ईट एज मेनी पाई एज ही लाइक्स तो uh, यहाँ पे कोई उसको परमिशन है कि ली भाई जितना तुम्हें खाना है खा लो तो दिस इज जस्ट परमिशन तो परमिशन के सेंस में आप मे यूज़ करते हो जैसे कि क्लास में भी होते हो तो मे आई गो सर मे आई कम इन सर यही बोलते हो ना कम इन मैम इस तरीके से तो दिस इज़ द वे हाउ यू जनरली इंटरप्रेट दिस मॉडल्स तो मॉडल्स अगर अगर क्लियर है तो आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं गाइज तो कंफ्यूज नहीं होना प्रॉब्लम हो तो आप ड्रॉप करिए मैसेज को कमेंट बॉक्स में आई एल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू हैस चले शुड गिव यू सम ऑफ दैट पाई गिवन यू बॉट इट Should क्या कर रहा है ऑब्लिगेशन, थोड़ा सा इज्जत ऑबलाइज दूसरे को थोड़ा इंपॉर्टेंस देने के सेंस में होता गिव यू सम पाई मतलब ली जो है um, क्योंकि तुमने खरीदा है वह पाई तो ली को लिखा तो रहा है लेकिन उसमें से उसको तुम्हारे साथ भी शेयर करना करिएगा जैसे कि यू शुड टेक दिस यू शुड यू शुड हैव डिनर विद मी तुम्हें हमारे साथ टिनर करना चाहिए तो अप्लीगेशन है इन रिस्पेक्ट टॉकिंग अबाउट दैट ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे बहुत सिंपल है गाइस जिसमें जिस भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आए तो वर्ब का सारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं ठीक है जैसे कि आई सॉ द डॉग किसको देखा डॉग को देखा तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ज्यादा फंडा नहीं है इसमें दिस इज वेरी सिंपल एक और एग्जाम्पल ली एट द पाई क्या खाया पाई खाया तो यहां पे ऑब्जेक्ट जरूर होगा ट्रांजिटिव में इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है verb है उसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब तो तो जो है किसी पे भी एक्ट नहीं करता ठीक है माई थ्रोट हर्ट्स तो बस दर्द करता है बैडली होता तो इस तरीके से वो एज ऑब्जेक्ट काम करता द कैट स्नीज्ड इसके बाद

बिलो आर सम्जाम्पल जिसको हम एक बार समझ लेते हैं क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है यह एज एन एक्टिव काम कर रहा है यहां पर लेकिन है क्या एक वॉब है तो उसको हम वॉबल बोलेंगे दर्ड तो नोरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक है

ठीक है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप ध्यान रखते हैं तो यह परेशानी आपको आगे नहीं आएगी ये कुछ क्वेश्चन है आप मैं एक बार थोड़ा थोड़ा टाइम छोड़ रहा हूँ इसको देख के आप कर लीजिएगा और कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा ठीक है इस अपना स्टॉप करके क्वेश्चन कर लीजिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड है सारा वीडियो तो आप इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हो ठीक है कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा आई एल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ठीक है अब कुछ मेन रूल्स कर लेते हैं गाइस मेन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कॉमन एरर्स है जो बच्चे जनरली करते हैं देखो मैं एक बार कलर चेंज कर दू देखो बच्चे क्या करते हैं एक्सेप्ट के बदले एक्सेप्ट सी यूज कर देते हैं जो कि एक्सेप्ट है एवल सीईपीटी एडवाइस वर्ब है एडीवीआई वर्ब नहीं है गाइस जो बच्चे लिख लेते हैं वो गलती करते हैं अफेक्ट इज वर्ब इफेक्ट इज नॉट फॉ लूज इज वर्ब एल डब्लू एस सी लूज इज नॉट वॉब मैरिनेट इज वर्ब मैरिनेट इज नॉट वर्ब पास्ट इज अ वर्ब बट पी एस टी इज नॉट वर्ब प्रैक्टिस इज अ वर्ब बट प्रैक्टिस इज ब्रिटिश इंग्लिश में होता है लाइसेंस इज अ वर्ब बट एल आई सी एन सी इज नॉट अ वर्ब एल आई सी एन एस सी इज अ वर्ब तो ये सिंपल फंडा है ये ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर वन क्या कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है आप ध्यान रखिएगा और यह पता है तो आप सेंटेंस मोशन में बहुत कम गलतियां करोगे वेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाई एंड उसके साथ प्लुरल वर्ब यूज होगा जैसे कि माई फ्रेंड एंड इज फादर आर इन इंडिया प्लुरल वर्ब है जो कि आप ऑग्जिलियरी वर्ब है आर ठीक है जब दो सिंगुलर नाउंस देखो सिंगुलर नाउंस ज्वाइन हो रहा है एंड के द्वारा लेकिन वह सेम पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो वह आपके हैज है, है यूज करोगे जैसे कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर हैज बिन अरेस्टेड सेक्रेटरी और ट्रेजर दोनों एक आदमी के लिए ही यूज हो रहा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही कलेक्टर बोलते हैं Is on leave today. तो सिमला बॉब यूज हुआ आइए बढ़ते नेक्स्ट पे थर्ड रूल क्या कह रहा है थर्ड रूल जो कह रहा है इस वह ध्यान देने योग्य है मैं आपको आगे बताता हूं थर्ड रूल से जस्ट अ सेकेंड सॉरी फॉर इंट्रक्शन गाइज ओके यूज ओनली वंस वेन टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन देखो जब दो नाउन्स सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज हो तो सिर्फ द आप एक बार यूज करोगे ठीक है या ध्यान रखना द वर्ब विल बी इन और इस केसेस में वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा तो ओनली वंस द टू नाउन्स वेन द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और टू नाउन्स टू डिफरेंट पर्सन और आर्टिकल द इज यूज बिफोर ईच नाउन देखो क्या होता है देखो क्या होता है जब दो नाउम्स अलग अलग पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो दोनों के पहले द आएगा बट अगर दो नाउम्स एज अ सब्जेक्ट सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो द सिर्फ एक नाउन से पहले आएगा अब यहां समझ लेते हैं द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट देखो ये दो, दो पर्सन के लिए यूज हो रहा है ठीक है सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट ये दो इंसान के लिए हीज हो रहा है क्योंकि सेक्रेटरी अलग होते हैं और प्रेसिडेंट अलग होते हैं तो इसके साथ हमेशा वर्ब प्ल आएगाब इन गिविन वार्म मिल्क ठीक है ओके इफ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म जब दो सिंगुलर नाउन सिर्फ एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है जैसे कि हम जनरी ब्रेड एंड मिल्क साथ में खाते हैं ठीक है जिनली तो उसके साथ ईज लगेगा ब्रेड एंड बटर के साथ भी ईज लगेगा इट्स गुड फॉर ब्रेकफास्ट राइस एंड करी एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है खाने के लिए उसको मिला के खाते हैं तो उसके साथ सिमिलर वर्ब लगेगा ठीक है इस तरीके से कुछ ऐसे तरीके के एग्जाम्पल जरूर मेरे को आप लिख के टेलीग्राम पे दीजिएगा दैट इज मच मोर बेनिफिशियल रूल फाइव क्या है वेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रैक्टिकली वर्ब शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म देखो क्या होता है जब दो नाउन्स एज अ सब्जेक्ट में आपके दोनों एक दूसरे के क्या है वो एक दूसरे के क्या है पूरक है या सिनेम्स हैं तो उसमें क्या होगा उसमें वर्ब हमेशा सिमुलर आएगा ये ध्यान रखिएगा हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस इज ऑन द डिक्लाइन तो यहाँ पे दो नाउंस हैं ठीक है ठीके? और सेम पर्सन के लिए यूज हो रहा है या एक दूसरे के सिनेम्स है सॉरी तो उसके लिए आप वर्ब सिमुलर यूज करोगे चलिए दो रिलेटेड एग्जाम्पल्स है देख के समझ लीजिएगा कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कभी भी डॉक्टर और टीचर से कोई परेशानी छुपानी नहीं चाहिए अगर छुपाओगे तो परेशानी रहेगी और आप फंबल करोगे ज्यादा ठीक है पहले दोस्तों नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट रूल देख लेते हैं इफ टू सिंगलर सब्जेक्ट्स कंबाइंड बाय एंड आर प्रेसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर क्या कहता है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है एंड के द्वारा एंड uh, के साथ होते हैं ठीक है थीके? और उनके पहले अगर ईच या एवरी हो तो उसके साथ हमेशा वॉब आप यूज करोगे वॉज दोबारा समझिए तो दो सिमिलर सब्जेक्ट्स या नाउन एंड के द्वारा जनरली हम यूज करते हैं एंड के साथ तो हमेशा वॉब प्लूरल यूज करते थे बट अब क्या है अगर इससे पहले अगर ईच या एवरी है तो उसके लिए आप वॉब हमेशा सिमुलर यूज करोगे तो एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे ठीक है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज देखो वॉब सिमलर यूज हुआ तो ये रूल याद रखिएगा तो परेशानी नहीं आएगी वेन सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाई इधर और इधर और निदर से अगर इस तरीके से होता है तो वर्ब जो 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 है जो जो होता है नियरेस्ट होता उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा जैसे कि देखो निदर नॉर के साथ अगर हो रहा है और हाँ ध्यान रखना अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो वो हमेशा सब वर्ब वर्ब के नज़दीक होना चाहिए ये ध्यान रखना ऐसा नहीं कि पहले रख दोगे तो गलत हो जाएगा जब दो आ, नाउन अगर और या के साथ ऐड हो रहा है मतलब कनेक्ट हो रहा है तो हमेशा वॉब जो एग्री करेगा वह वह किसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वह नियरेस्ट के अकॉर्डिंग नियरेस्ट के अकॉर्डिंग देखो जैसे कि राधा और रानी तो रानी के अकॉर्डिंग चलो तो आया सिंपल निदर मोहिनी नॉर रागिनी तो फिर नियरेस्ट इजाया के और तो जैसे ही मैंने क्या बोला कि नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग तो मिनिस्टर्स जैसे आया तो आर हो गया ठीक है निदर यू नॉर ही इज अप टू दिस टास्क तो ध्यान रखिएगा जो प्लूरल होगा सब्जेक्ट

टुगेदर विद है एज वेल एज है उसके साथ जो है पहले वाला जो सब्जेक्ट है या नाउन है उसके अकॉर्डिंग वह वह जनरली चेंज होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया personal विद पर्सनल प्लूरल है बट सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग द एक्ट्रेस अलोंग विद मैनेजर एंड सम फ्रेंड्स ये देखो ये साफ साफ है, है ना बट इज आया सिमलर वर्ब क्यों क्योंकि ये एक्ट्रेस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट तो ये ध्यान रखिएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा नेक्स्ट uh, पे आते हैं रूल नंबर व्हेन नॉट ओनली बट आल्सो इज यूज्ड टू कंबाइन टू सब्जेक्ट्स द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोज टू इट देखो थोड़ा ट्विस्ट हो गया नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है एग्री करेगा क्लियर है बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ गाइस मैं फिर भी आपको बोलता हूं अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा मैं बहुत खुश हूंगा आपको मदद करके मुझे कोई परेशानी नहीं है बार बार आप मुझे तंग करिए लेकिन समझिए पेपर को क्रैक करिए राइट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू सी यू गाइज सक्सेसफुल आई जस्ट वॉन्ट सी यू गाइज दैट्स ऑल रूल नंबर क्या है यूज ऑफ नन और नो कैसे होता है नन कैन टेक इधर सिंगुलर और प्लुरल ये दोनों में के में यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नाउन विद विच फॉलोज इट जो नाउन उसके साथ होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा जैसे देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं नन ऑफ द नन ऑफ द है ना नन ऑफ द काउंटर फिट मनी काउंटर फिट मनी जैसे आया तो यह सिमुलर साफ साफ देख रहा है तो वर्ब आया सिमुलर अब जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा जैसे कि नन ऑफ द स्टूडेंट जैसे ही प्लूरल आया वर्ब हो गया प्लूरल प्लूरल इतना सिंपल तरीके से कोई समझा सकता है क्या स्पून फीडिंग कर रहा हूं ठीक है तो समझिए मैं चाहता हूं कि इसको समझ के इंप्लीमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए तो परेशानी नहीं आएगी आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे चीजों को मेनी वर्ड्स इंडिकेटिंग नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स आर सिमिलर देखो अब जो uh, कुछ वर्ड्स हैं कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं द इंडिविजुअल मेंबर्स आर एक्टिंग सेपरेटली ठीक है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा अगर ग्रुप एक साथ काम कर रहा है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब देखो एक ग्रुप है ग्रुप के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा क्योंकि उसको सिंगलर कंसिडर करते हैं बट उसी ग्रुप में से अगर पर्टिकुलर की बात करने लग जाए ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा देखते हैं देखो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं सारे सिंगुलर के आई मीन ये सारे आ, आ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली इंडिकेट करते हैं सिंगुलर फॉर्म तो उसके साथ देख जैसे कि द फैमिली हमेशा इसको सिंगुलर कंसिडर करना और उसके साथ वर्ब लगाना सिंगुलर फैमिली द फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज अब देखो द फैमिली अब ये वॉर क्यों लगा मैं बताता हूं द फैमिली वर फाइटिंग ओवर द इनहेरिटेंस जो जायदाद है संपत्ति के लिए फैमिली के लोग ऑफिस ही है अपने अपने हक के लिए लड़ रहे होंगे है ना तो जैसे ही इंडिविजुअल की बात होने लग गई उन्होंने अपना स्वार्थ देखने लग गए अपना इंडिविजुअलिटी की बात करने लग गए तो वह उसके साथ वो, आ, जो वब यू होगा दैट विल बी प्लूरल सिंपल ठीक है आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्या कह रहा है मेजॉरिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल जो मेजॉरिटी एक वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है आगे क्या कहता है इफ इट इज अलोन इट इज यूजुअली सिंगुलर अकेले है तो सिंगुलर होगा उसके साथ अगर प्लूरल नाउन अगर आ जाता है तो वो प्लूरल हो जाएगा देखो देखो न, ये अब वैसे मेजोरिटी हमेशा सिमिलर होता है हमेशा लेकिन उसके साथ अगर कोई प्लूरल नाउन आ गया तो उसके तो आप उसको प्लूरल कंसिडर करोगे देखो जैसे एग्जाम्पल अ मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट अकेले है कोई दिक्कत नहीं है सिमिलर वाव अ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जैसे ही आया तो उसके साथ सिमिलर वाव सिंपल याद कर लीजिए भेजे में ना घुसा लीजिए नहीं तो पेपर में नहीं आएगा ना तो भेजा फ्राई हो ठीक है तो भेजा फ्राई ना करे के बाद तो अच्छे से पढ़ी एंड क्लियर ऑल द फंडाज ऑल द डाउट्स गो थ्रू द रूल्स डू क्वेश्चन टू क्रैक एंड आई बेट इंग्लिश का तो आई बेट ओके रूल नंबर थर्टीन के बात करते हैं द नंबर ऑफ और अ नंबर में क्या डिफरेंस है देखो द नंबर इज हम ऑलवेज सिमिलर जब भी द नंबर की बात होगी सिमिलर रखेगा द नंबर द नंबर ऑफ एकर्स डिस्ट्रॉयड बाई वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फायर हैज इनक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द पास यहाँ पे हमने सिंगुलर यूज किया देखो द नंबर हमेशा सिंगुलर कंसिडर करेंगे और उसके साथ सिंगर वर्ब यूज करेंगे बट अंबर हमेशा प्लूरल होता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आप प्लुरल वर्ब यूज करोगे मैं बेट से के साथ कह रहा आप में से मैक्सिम बच्चों को यह नहीं पता होगा और आप कंफ्यूज होते ही होते तो प्लीज का जिन रूल्स को ना शरबत बना के पी लीजिए मतलब अच्छे से याद करिए नोट्स बनाइए और इसके अकॉर्डिंग बधेरे सेंटेंस बना के मेरे को टेलीग्राम पे भेजिए मुझे खुशी होगी कि मेरे मेहनत के साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं नेक्स्ट कह रहा है कलेक्टिव नाउन इंडिकेटिंग टाइम मनी एंड मेजरमेंट्स यूज एज अ होल अगर पूरे के तौर पे यूज हो रहा है जैसे कि टाइम है मनी है मेजरमेंट्स है तो उसके साथ हमेशा आप सिमुलर उसको एज अ सिमुलर सब्जेक्ट मानते हैं और उसके साथ वर्ब जो यूज करते हैं दैट इज़ सिमिलर जैसे कि ट्वेंटी फाइव रुपीज़ ट्वेंटी फाइव रुपीज है तो ये मत समझ लेना कि ट्वेंटी फाइव इज प्लूरल इसको एज अ होल ट्वेंटी पूरे की बात कर रहे हैं तो उसको हम सिमुलर मानेंगे और वॉब यूज करेंगे सिमुलर टू माइल्स इज टू मच अब देखो टू माइल्स अब कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये तो प्लूरल है टू माइल्स आर लगाएगा बट गलत है टू माइल्स इज क्योंकि एज अ होल की बात हो रही है ठीक है गाइस क्लियर रखिएगा फंडा ऑफ फिफ्टीन क्या कह रहा है वेन लॉट अ ग्रेट डील ऑफ प्लेंटी ऑफ मोस्ट ऑफ सम ऑफ ठीक है रेफर टू नंबर नंबर को ये सब अगर डिनोट करे तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब इसका यूज होगा जैसे कि अ लॉट ऑफ पीपल तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है नंबर ऑफ की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब यूज होगा प्लूरल सम ऑफ द स्टूडेंट ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है तो वर्ब यूज होगा प्लुरल कितना सिंपल है है ना तो ध्यान रखिएगा रूल्स और मुझे बताइएगा जरूर ओके द द टू एन अमाउंट अच्छा वही एक्सप्रेशन अगर अलॉट ऑफ सम ऑफ के साथ अगर बात हो अमाउंट के केस में मात्रा के केस में कितनी मात, मात्रा क्या है तो उसके साथ वर्क हमेशा सिमलर यूज होगा जैसे कि अलॉट ऑफ वर्क हैज तो ये क्वांटिटी ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं बहुत सारा काम ठीक है इट्स नॉट नंबर यू कैन नॉट काउंट वर्क सो यूज सिमलर वर्ब विद इट क्लियर है और कोई परेशानी पूछिएगा जरूर

ठीक है अब पे पूरे फूड जो भी इतना है उसको होल की बात कर रहा है तो उसके साथ हमेशा सिमलर वर्ब यूज होगा है ना ठीक है समझ आया तो बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं बैरिक्स क्वार्टर अबाउट एम्स ये सारा डिफेंस के सेंस में यूज होता है सिंगुलर वर्ब एज वेल एज प्लर वर्ब ठीक है तो इसमें सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है कुछ भी गलत नहीं होता हेडक्वार्टर ऑफ यू एन एस भी लगा सकते हो आर भी लगा सकते हो कोई कंफ्यूजन नहीं हमेशा आप हेडक्वार्टर के साथ सिमिलर या प्लूरल दोनों लगाओगे ठीक है इन स्पोर्ट्स वाइल रेफरिंग टू प्लेयर्स द नेम ऑफ कंट्री इज फॉलोड बाय प्लूरल वो देखो किसी भी गेम में प्लेयर्स को रेफर करते हुए अगर हम देश की बात करें तो उसके साथ हमेशा प्लूरल आएगा इंग्लैंड लोग सोचते हैं कि सिमुलर है एक है लेकिन अगर उसके साथ प्लेयर्स को डिनोट करते हुए बात करेंगे तो हमेशा वह सिमुलर वॉब लेगा इंग्लैंड हैव है वर्ल्ड कप इंडिया हैव सक्सीडेड इन ओलंपिक बिकॉज ऑफ देयर स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर्स कैसा लगा टंबर नाइनटीन सेन दर्ल वर्ल्ड एनिमी इज यूज इन द आर्म्ड फोर्सेस आर्म फोर्सेस में जब वर्ड एनिमी यूज होगा किसी भी नेशन के लिए विद विच वंस कंट्री इज एट वॉर ठीक है वी हैव टू यूज द प्लूडल वर्ब एनिमी जब भी किसी वॉर को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब प्लूडल यूज करेंगे द एने वर्ड फोर्स टू रिट्रीट एनेमी को uh, सजा भुगतने में भुगताया गया जैसे जनरली पास्ट की बात हो रही है ठीक है तो हमेशा वर्ब जो लेगा ये प्लूरल लेगा

लेन लेटमी लाई हेयर ठीक है इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इन क्लियर गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं वेन सेंटेंस स्टार्ट विद वाले सेंटेंस में क्या करना है दब्जेक्ट विल ऑलवेज भी प्लेस आफ्टर द वर्ब सो दे केयर नीड्स टू बी टेकन टू आइडेंटिफाई द इट करेक्ट जब भी हेयर देर वाले सेंटेंस होंगे दोस्तों तो हमेशा जो है आ, यह जो है वॉब जो है इनके बाद तुरंत आ जाएगा क्लियर है और सब्जेक्ट क्या होगा उस सब्जेक्ट वॉब के बाद आएगा जैसे कि देर आर फोर हर्डल्स तो फोर हर्डल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है बट वॉब के बाद आया देयर इज अ हाई हर्डल तो हाई इज सब्जेक्ट बट वो वॉब के बाद आया देर आर द कीज सब्जेक्ट है बट वॉब के बाद आया तो ये सिंपल फंडा है या आपको क्लियर होना चाहिए के केसेस में तो ये अगर आपने समझ लिया तो परेशानी नहीं होने वर ट्रुण वर ट्रुण books, movies, देखो, titles, के चांसेस रहेंगे टाइटल्स ऑफ़ बुक्स बुक के सिंगुलर ही कंसिडर करना कभी भी उसके साथ मूवी का नाम है तो उसके लिए हमने

सब एज अ सब्जेक्ट यूज हो सेंटेंस का पहला वर्ड के रूप में यूज हो और उसके साथ तो उसमें क्या होता है गाइज uh, ये हमेशा ध्यान रखना कि वो हमेशा सिमुलर वर्ब लेगा स्टैंडिंग इन द स्टैंडिंग इन द वॉटर वॉज अ बैड आइडिया तो ये जेरेंड है बट इसके साथ क्या है एंड के साथ अगर कोई दूसरा नाउन आ गया स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स दो, दो सब्जेक्ट दो जैसे ही नाउन आया उसके साथ वर्ब प्लूरल यूज होगा समझिए लिखिए याद करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट गाइस प्रैक्टिस 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 ओनली मंत्रा टू सक्सेस इज प्रैक्टिस नथिंग एल्स रूल ट्वेंटी फोर कहता है कहता है इफ टू इंफिनेटिव आर सेपरेटेड बाई एंड द द्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब जब दो इंफिनेटिव बाई के द्वारा सेपरेट होते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होता है अब आप, आप कहोगे इन्फिनेटिव क्या होता है मैंने पहले ही बताया था कोई भी वर्ब से पहले जब टू आए तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं उसके साथ अगर क्या है आ, एंड आ जाए तो उसके साथ क्या यूज करोगे प्लूरल वर्ब जैसे कि टू वर्क एक, एक वर्ब हो गया एक इन्फिनेटिव वर्ब हो गया टू चू एक इन्फिनेटिव वर्ब हो गया रिक्वायर्स होना चाहिए एज अ सिंगुलर बट यहां पे रूल कहता है कि प्लुरल वर्ब होगा तो रिक्वायर हुआ प्लुरल वर्ब हुआ ठीक है नेक्स्ट कहता है सब्जेक्ट एंड वर्ब दे डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट देखो ध्यान रखना सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत बार सेंटेंसेस आने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सोचते हैं कि वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा या प्ल होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ सब्जेक्ट को देखो गाइस अगर तुम्हारा सब्जेक्ट क्लियर है जैसे कि तुमने सब्जेक्ट देख लिया द डॉग उसके बाद एक सेंटेंस आया हु इज अचीविंग ऑन माई जींस सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि द डॉग है तो इसलिए उसके साथ हम एक डॉग की बात हो रही है तो सिमर वर्ब भी आएगा क्लियर है इनवर्टेड सेंटेंसेस क्या होते हैं इन्वर्टेड सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑलवेज प्रीसीड्स द वर्ब बट सम टाइम दे कैन रिवर्स दिस ऑर्डर सो दैट द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट कभी कभी देखो चीज देखो ध्यान से इनकरेक्ट क्या है थ्रू द गोल्डन ईगल ब्रिज पासिस थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स एवरी डे ठीक है तो यहां पे जो पासिस है ये क्या है यह वॉब है तो एक चीज देखना यह वॉब तो है लेकिन कभी कभी क्या होता है जो यह सब्जेक्ट होता है मेरे दोस्तों वह क्या होता है के बाद आता है तो ऑब्वियसली थाउजेंड ऑफ व्हीकल पास करता है या गोल्डन ब्रिज पास करता है व्हीकल्स तो पासेज किसके लिए जो हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स के लिए बट वे थाउजेंड व्हीकल्स केम आफ्टर द सब्जेक्ट तो जब ऑब्वियसली बात है कि थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स तो प्लूर, प्लूर, प्लूरल वर्ब है ना आई I मीन mean, प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होना चाहिए तो पासिस नाव के यहां पे होना चाहिए पास बट लो यहाँ सेंटेंस बच्चे समझ लेते हैं कि गोल्डन ईगल ब्रिज के लिए यूज हो रहा है तो पासिस लगाओ क्योंकि सिंगलर है नहीं भाई दिमाग तो खोलो खोपड़ा खोलो अगर ये समझ आ गया तो भाई बहुत जल्दी आप रिट्रीट करोगे और चीजों को समझ पाओगे तो सही सेंटेंस क्या होगा पास होगा ठीक है ये ध्यान रखना अब जो लास्ट है अब सेंटेंस से क्या है? है? ठीक तो पास आ गया तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ओके फाइनल रूल क्या कहता है कि कभी भी गाय सेंटेंस को देख के घबराओ नहीं क्योंकि सेंटेंस में अगर तुमने सब्जेक्ट को पकड़ लिया तो वो तुम्हारे हाथ में उसका पूरा पूरा जो है ना पूरा पूरा उसका साम्राज्य आ जाएगा तो अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ रिकोगनाइज करना है सब्जेक्ट को और उसके अकॉर्डिंग अगर तुमने उस पर कमांड कर लिया तो वो अब तो चुटकियों में तुम कर लोगे ठीक है चुटकियों में तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट गाइस सो आई बिलीव इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू अगेन क्वेश्चन आर देयर सो आई आई जस्ट रिकमेंड यू गाइज टू जस्ट गो थ्रू इट इससे नोट्स बनाइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए आई मीन क्वेश्चंस नहीं इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए टेलीग्राम जरूर जो ज्वाइन कर लीजिएगा अंग्रेजी गुरु जी और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा लाइक और शेयर भी करिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लगे और मेरा मेहनत आपको पसंद आए है। मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद